ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने अब तक क्या किया था। हमने सबसे पहले किया था आरडीटी 1.0। इसकी एजम्पशन क्या थी? इसकी एजम्पशन थी कि हमारा जो अंडरलाइंग चैनल है वो अपना सही सलामत मस्त काम कर रहा है, कोई बिट एरर नहीं है, कोई पैकेट ड्रॉप नहीं है। तो रिसीवर सेंडर क्या करेगा, सेंडर को यूजर डाटा भेजेगा, वो अपना सिंपली तार के ऊपर डाटा भेज देगा। और रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर को डाटा मिल रहा है, साफ साफ सही 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 सलामत डाटा मिल रहा है, वो अपना एप्लीकेशन को डाटा भेज देगा। सिंपल, आरडीटी 1.0 के अंदर और कुछ था ही नहीं। कोई डाउट इसमें? ठीक नहीं, कोई डाउट नहीं। है, उसके बाद अपना आता है आरडीटी 2.0। तो इसके अंदर हमारा पैकेट करप्ट हो सकता है और हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम करप्टेड पैकेट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा पैकेट कुछ करप्ट हुआ है बाय यूजिंग सम चेकसम, या जो भी अपने को मैकेनिज्म लगाना है उसके इंडिपेंडेंट हमारे ये सोल्यूशन है। बस हमें इस बात की गारंटी है कि जैसे ही पैकेट करप्ट होगा हमें पता लग जाएगा किसी तरह। तो इसके अंदर आरडीटी 2.0 क्या बोलता है कि मैं हूं सेंडर और सामने वाला बैठा रिसीवर। ठीक, तो क्या होगा, सेंडर ने डाटा भेजा, ठीक है, रिसीवर के पास पैकेट पहुंच जाएगा। रिसीवर के पास दो केस होंगे, या तो उसके पास जो पैकेट आया है वो करप्ट आया है, या उसके पास जो पैकेट आया है वो सही सलामत आया है। अगर उसके पास जो पैकेट आया है वो सही सलामत हुआ तो वो अपने को एक्नोलेजमेंट भेज देगा और हम देखेंगे कि हाँ इसने एक्नोलेज कर दिया, इसका मतलब है सामने वाले के पास डाटा पहुंच चुका है, हम यूजर से वापस डाटा लेंगे। ये वाला स्टेट डायग्राम अपना था। दूसरा केस क्या है कि रिसीवर को करप्टेड पैकेट मिला, तो रिसीवर उस केस में नो एक्नोलेजमेंट का पैकेट अपने को भेजेगा। हम देखेंगे कि रिसीवर को डाटा मिला ही, मतलब डाटा करप्ट मिला है, हम वापस उस पैकेट को भेजेंगे और वापस वेट करेंगे रिसीवर के एक्नोलेजमेंट या नो एक्नोलेजमेंट की, और ऐसा चलता रहेगा। सिमिलरली ये ठीक अपने है, रिसीवर का डायग्राम हो गया। रिसीवर अपना क्या करेगा, पैकेट के लिए वेट करेगा। अगर पैकेट अपना करप्टेड है तो वो नॉट एक्नोलेजमेंट भेजेगा, अगर अपना पैकेट सही सलामत है तो वो एक्नोलेजमेंट भेजेगा और ऊपर एप्लीकेशन का डाटा डिलीट कर फॉरवर्ड कर देगा। इसके अंदर कमी क्या थी, कमी ये थी कि हम करप्शन चेक नहीं कर रहे हैं नॉट एक्नोलेजमेंट और एक्नोलेजमेंट के ऊपर, जो कि हो सकती है सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए अपना आया था 2.1, सिस्टम 2.1। सिस्टम 2.1 क्या बोलता है, अब देख हम वापिस चालू करते हैं। सेंडर क्या था, सेंडर डाटा भेजेगा, रिसीवर के पास पैकेट पहुंचेगा, इस बात की गारंटी है क्योंकि हमारे मॉडल के अंदर हम ये पैकेट ड्रॉप एज्यूम नहीं कर रहे। सही बात है, ठीक। तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर के पास या तो पैकेट सही सलामत आएगा या पैकेट करप्टेड आएगा। अगर रिसीवर के पास पैकेट सही सलामत आया तो वो एक्नोलेजमेंट भेजेगा, अगर रिसीवर के पास पैकेट करप्टेड आया तो वो नॉट एक्नोलेजमेंट भेजेगा। यहां तक अपने को कोई समस्या नहीं थी। अब हम बैठे हैं, हम सेंडर थे, हमारे पास तीन तरह के केस बनते हैं, या तो हमारे पास एक्नोलेजमेंट आएगा, या हमारे पास नॉट एक्नोलेजमेंट आएगा, या हमारे पास करप्टेड पैकेट आएगा। करप्टेड पैकेट क्यों आएगा, मतलब करप्टेड पैकेट का एक्चुअल कंटेंट एक्नोलेजमेंट था नॉट एक्नोलेजमेंट था, हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम ये देख ही रहे हैं कि वो करप्टेड है, हम इसके ज्यादा कुछ ज्यादा इन्फर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर एक्नोलेजमेंट थी मतलब डाटा, मैं नया डाटा भेज सकता हूँ। अगर एक नॉट एक्नोलेजमेंट थी, इसका मतलब है रिट्रांसमिशन करना है, जाते हुए डाटा करप्ट हो चुका था, मैं रिट्रांसमिशन कर दूंगा। अगर एक्नोलेजमेंट करप्टेड आई, या जो भी अपने को सामने से मिला है वो करप्टेड हुआ, इसका मतलब है हमें सामने वाले को वापस पूछना पड़ेगा कि क्या तेरे को एक्नोलेजमेंट, क्या तूने एक्नोलेजमेंट दी है नॉट एक्नोलेजमेंट दी है। इसके लिए हम वापस पैकेट को रिट्रांसमिट करेंगे जस्ट टू बी सेफ, और सामने वाला अपना पैकेट ड्रॉप करेगा या एक्सेप्ट करेगा, उस हिसाब से एक्नोलेजमेंट नॉट एक्नोलेजमेंट भेज देगा, और उसके बाद हमारा सो ऑन ये चलता है। इसके लिए हमने सीक्वेंस नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया था ताकि हमारा जो सिस्टम है वो सही से चलता रहे। सीक्वेंस नंबर की चीजें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। सही है, सही है। और उसके बाद हमारा 2.2 था, जिसके अंदर हमने नेक वाली चीज को हटा दिया था और हमारे कोड को हमने सिंप्लीफाई कर दिया था। तो अभी हम चलते हैं आरडीटी 3.0 के ऊपर, और ये हमारा आरडीटी की सीक्वेंस के अंदर सबसे आखिरी टॉपिक है, जिसके बाद हम चालू करेंगे अपना टीसीपी। ठीक, चलते हैं ओके। आरडीटी 3.0। तो आरडीटी 3.0 बोलता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब हमारा पैकेट कैन बी करप्टेड, जो कि हमारा आरडीटी 2.0 के अंदर भी था, पैकेट कैन बी करप्टेड। और दूसरा केस है पैकेट कैन बी ड्रॉप्ड।
ये सारी अपनी एजम्पशंस थी आईपी की, तो हम बेसिकली आईपी को ही आईपी का ही सोल्यूशन निकाल रहे हैं इन थ्योरी कि कैसे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी अप्रोच क्या है, जो सेंडर होगा विल वेट फॉर रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू डिसाइड इफ द पैकेट वॉज ड्रॉप्ड। ठीक है, ठीक इसके अंदर दो केस होंगे, मतलब पहली चीज तो सेम है, हमें क्या करना होगा, या तो पैकेट करप्ट होगा इसका हमें पता लग जाएगा, या ये जो टाइमर है ये एक्सपायर हो चुका है, इस केस में हम करेंगे रिट्रांसमिशन। सिंपल सी चीज है, क्योंकि ठीक टाइमर एक्सपायर होने का मतलब क्या है कि पैकेट ड्रॉप हो चुका है, और पैकेट ड्रॉप हो चुका है इसका मतलब वो इक्विवेलेंट है, पैकेट करप्ट हो चुका। हाँ, बट इसने जो ट्रांसमिट किया था वो पैकेट ड्रॉप हुआ है, या वहां से जो एक्नॉलेजमेंट आया था वो पैकेट ड्रॉप हुआ है, ये नहीं पता है हमें। हाँ, ये हमें नहीं पता है। जैसे पहले वाले केस में था कि जब सामने वाले ने एक्नोलेजमेंट या नॉट एक्नोलेजमेंट भेज रहा था, हमें कुछ नहीं पता था कि सामने वाले तक पैकेट गया भी सही सलामत है या नहीं है, हमारे पास तो करप्टेड एक्नोलेजमेंट या जो भी वो आया था उस हिसाब से हमने रिट्रांसमिशन किया था जस्ट टू बी सेफ। ठीक वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे। और दूसरा कॉर्नर केस क्या है कि जो टाइमर था वाज स्मॉल इनफ, मतलब टाइमर वाज स्मॉल बट पैकेट इवेंचुअली केम। पैकेट मान ले या एक्नोलेजमेंट मान ले केम बैक टू अस, तो टाइमर एक्सपायर होने के बाद हमारे पास अगर एक्नोलेजमेंट वगैरह आती है उसको भी हमें हैंडल करना होगा। सही बात है, मतलब टाइमर को हम रिलेटिवली स्मॉल ही रखेंगे, ऐसा केस भी बन सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, मतलब बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ टाइमर लगा दिया, मान लिया 5 सेकंड का हमने टाइमर लगा दिया, हमने डाटा भेजा और सर्वर उस टाइम बिजी था, हमारे पैकेट को वो प्रोसेस ही नहीं कर पाया, तो मान लिया सर्वर को 10 सेकंड लगे हमारे पैकेट को प्रोसेस करने में, मतलब पैकेट को हैंडल करने के लिए ही, फिर जब सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा हमारा टाइमर एक्सपायर हो चुका था तब तक, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, और तो तब यहाँ पे तक दो तो हम तरह की, रिट्रांसमिट भी कर चुके होंगे। हाँ तब तक हम रिट्रांसमिट भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे दिक्कत ही ऐसी है कि अगर टाइमर हमारा स्मॉल है तो हमारे बहुत ज्यादा रिट्रांसमिशन होंगे, लेकिन अगर हमारा टाइमर हाई है इसका मतलब क्या होगा, अगर पैकेट हमारा ड्रॉप हो चुका है हम बहुत ज्यादा टाइम तक उसका वेट करेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं थ्रूपुट जो है, कम हो माने जाएगा। कि एफिशिएंसी जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, इसलिए जो कि टाइमर जो लगाते हैं वो हमारा कुछ ऐसा वेल डिफाइंड आंसर नहीं है कि ये ही टाइमर होना चाहिए, ये बेस्ट टाइमर है, ये डिपेंड करता है बहुत सारी एनालिसिस वगैरह करने के बाद कि हाँ ये टाइमर हमारा सही सेट बैठ रहा है, इसको ही फाइनल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये केस भी हैंडल करना होगा हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी अपन बनाते हैं डायग्राम फॉर सेंडर। सेंडर का डायग्राम क्या होगा, अच्छा तो सीक्वेंस नंबर तो रहेंगे, आरडीटी का 2.0 का क्या सोल्यूशन था कि हमारे थे सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए थे, सिमिलरली सीक्वेंस नंबर यहाँ पे भी यूज होंगे क्योंकि हमारे पास रिट्रांसमिशन का भी केस होगा और वगैरह वगैरह। ठीक है, देखते हैं, तो सबसे पहली स्टेट, स्टेट नंबर 0, ये करेगा वेट फॉर कॉल 0 फ्रॉम अबव। ठीक है, और ये मैं मिटा देता हूँ, बीच में लिख देता हूँ ताकि स्टेट से कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे, ये हमारा सेंडर हुआ, ऊपर से इसके पास डाटा आया, ये क्या करेगा, ये पैकेट बनाएगा और सामने वाले को पैकेट भेज देगा और ये वेट करेगा किसके लिए, वेट फॉर एक्नोलेजमेंट फॉर सीक्वेंस नंबर 0, क्योंकि हमने पिछले केस में नॉट एक्नोलेजमेंट वाली चीज को हटा दिया था। ट्रांजिशन क्या ठीक होगी कि सेंड द डेटा,
मतलब ऊपर से आया कि डाटा सेंड करो, इसने क्या किया, मेक पैकेट विद सीक्वेंस नंबर 0, क्योंकि सीक्वेंस नंबर 01 जो है वो इंटरनल सिस्टम के अंदर है, ऊपर वाली एप्लीकेशन को पता भी नहीं है कि सीक्वेंस नंबर क्या है क्या नहीं, और हम डाटा को सेंड कर देंगे, डाटा सेंड ऑन वायर, और ये सेंड डाटा फ्रॉम एप्लीकेशन, ये ऊपर से आया था, ठीक है, और स्टार्ट द टाइमर, हम यहाँ पे टाइमर का यूज कर रहे हैं, तीन चीज हो रही है, पैकेट बनाया, पैकेट भेजा, टाइमर चालू किया। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, पहला केस तो क्या कि पैकेट तो आ गया, चल ठीक है, रिसीव हो गया, अब या तो वो करप्ट है, या ये वाला केस मैं बाद में कवर करूंगा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, नीचे चलते हैं। अगर मैंने जो पैकेट मिला है मेरे को वो करप्ट है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। दूसरा केस, टाइमर एक्सपायर हो गया मेरा, मेरा आ गया टाइम आउट, मैं क्या करूंगा, मैं पैकेट को सेंड करूंगा और टाइमर को वापस चालू करूंगा विद सीक्वेंस नंबर ठीक 0, ठीक। है, ठीक है, ठीक है, तीसरा केस, मेरे को पैकेट रिसीव हुआ, पैकेट करप्ट नहीं है और मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टाइमर को स्टॉप कर दूंगा और मैं किस में चला जाऊंगा, इस स्टेट के अंदर, किस में, वेट फॉर कॉल वन, ठीक ठीक। है, फिलहाल अगर मेरे पास डाटा आ रहा है, जस्ट इन केस रिसीवर की तरफ से मेरे पास अभी भी डाटा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी तरफ से ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो चुका है। हो सकता है कि रिसीवर ने वापस कुछ रिट्रांसमिशन वगैरह किया हो, जो कि स्टेट डायग्राम हम बाद में देखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक सिमिलरली अगर हम यहाँ पे थे, जो कि वापस अपना सर्कल पूरा करेंगे, और पैकेट आया, पैकेट रिसीव्ड, अपन कुछ नहीं करेंगे, खाली बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक। अगली ट्रांजिशन यहां से आएंगे, क्या होगा, ऊपर से डाटा आया, ऊपर वाले ने बोला कि डाटा भेजो, ये क्या करेगा, पैकेट बनाएगा विद सीक्वेंस नंबर 1, सेंड करेगा और टाइमर चालू करेगा, और फिर करेंगे अपन वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट नंबर 1, ये इस स्टेट में जाएगा, इफ एंड ओनली इफ पैकेट रिसीव हुआ, करप्टेड नहीं है और एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 है, तो ये टाइमर स्टॉप कर देगा और ये ऊपर वाली केस में चला जाएगा। दूसरा केस, हमारे पास टाइम आउट हो चुका है, हमको पैकेट रिसीव नहीं हुआ, हम रीसेंड करेंगे विद सीक्वेंस नंबर 1 और रिस्टार्ट करेंगे टाइमर को। दूसरा केस, पैकेट रिसीव तो हुआ है लेकिन वो करप्ट है, उस केस में अपन कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, एक केस मतलब बचा है। बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, बट आई गेस रिसीवर के बाद ही क्लियर होगा। हाँ, रिसीवर के बाद क्लियर हो जाएगा, अभी ये तो सेंडर था, अभी रिसीवर पे आते हैं, सारे केस हम कवर करेंगे आसानी से, मतलब बाद में, एक बार डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये रिसीवर है, रिसीवर क्या करेगा, वेट फॉर 0, मतलब पैकेट 0 फ्रॉम वायर, वायर हो गया, वायरलेस हो गया, जो भी है, नीचे से ये वेट करेगा, ठीक है। ठीक अब इसके पास डाटा रिसीव हो चुका है, तो सबसे पहले सक्सेसफुल केस देखते हैं, जब ये वेट करेगा डेटा पैकेट 1 के लिए फ्रॉम वायर, ठीक है। ये इस ट्रांजिशन में कब जाएगा, जब पैकेट तो रिसीव हो गया, करप्टेड नहीं है और पैकेट नंबर 0 है, तीन केस होंगे, तो है, ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट डेटा सेंड अबव
सेंड एक्नॉलेजमेंट नंबर 0, तीन चीज करेगा ये ठीक है। सिमिलरली वापिस आने के लिए, पैकेट इसको रिसीव हुआ, करप्टेड नहीं है, और ये है अपना पैकेट ऑफ 1। ये क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, सेंड करेगा, पर एक्नॉलेजमेंट 1 और तार के ऊपर एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 भेज देगा। ठीक है, अब ये वाला केस क्या बोलता है, कब ये पंगे करेगा अपने, पैकेट तो रिसीव होगा, उसके बिना तो कुछ होना नहीं है। अगर अपना पैकेट करप्ट हुआ, अगर रिसीवर के पास पैकेट करप्ट हुआ, तो ये भेजेगा एक्नॉलेजमेंट 0। ध्यान देने लायक बात है ये, अगर अगर स्टेट 1 पे पैकेट करप्ट मिला तो हम एक्नॉलेजमेंट 0 फिर से भेज देते हैं। हाँ, इसके बारे में करेंगे डिस्कस अभी। या और अपने को मिल गया पैकेट 0, दो केस है। मैं वेट कर रहा हूं पैकेट 1 के लिए, लेकिन मेरे को पैकेट 0 मिला, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब जब इसने पैकेट 0 का एक्नॉलेज, इसको पहले सही से डेटा मिल गया था, इसने एक्नॉलेज पैकेट 0 मिल गया था, इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा था और वो एक्नॉलेजमेंट करप्ट होके उसके पास पहुंचा था, तो उसने अपना स्टेट ट्रांजिशन नहीं किया, या ड्रॉप हो पर इसने अपना स्टेट ट्रांजिशन कर लिया था, तो वो अभी वापस से रिट्रांसमिट करेगा पैकेट 0। हाँ, और मैं करप्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि करप्ट के केस में हम कुछ नहीं कर रहे हैं सेंडर की तरफ, मैं बोलूंगा ड्रॉप कर गया, करप्ट का केस बाद में हैंडल करेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, ड्रॉप मान के चलो। ठीक है, ये हो गया। या सेंडर ने पैकेट 1 भेजा लेकिन वो करप्ट हो गया, ठीक है, फिर भी हम एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 भेज रहे हैं। ठीक है, इस बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे, इसके दो केस होते हैं, या तो एक्नॉलेजमेंट 0, इस एक्नॉलेजमेंट 0 का मतलब क्या है, ठीक है, ये बाद में देखते हैं। सिमिलरली इस तरफ आते हैं, हमने पैकेट रिसीव किया, अब या तो वो करप्ट है या वो पैकेट 1 है, हम भेजेंगे एक्नॉलेजमेंट नंबर 1। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ऊपर वाला केस हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, एक ये वाला होने में, ठीक है। तो हम एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 की वेट कर रहे हैं, लेकिन हमें मिला एक्नॉलेजमेंट नंबर 1, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अभी भी एक्नॉलेजमेंट 0 का ही वेट करते रहेंगे। हाँ, ऐसा कब हो सकता है कि सामने वाला हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 भेज रहा है? सामने वाला हमें जब उसको पैकेट 1 रिसीव हो जाएगा तब वो एक्नॉलेजमेंट 1 भेजेगा। हाँ, और हम पैकेट नंबर 0 भी भेज चुके हैं, हम पैकेट 0 भेज चुके हैं, हम एक्नॉलेजमेंट 0 का वेट कर रहे हैं, पर फिर हमने पैकेट 1 भेज दिया, मतलब ये तो सेकंड साइकिल के उसमें ही हो सकता है, पिछले वाला पैकेट का एक्नॉलेजमेंट 2 बार भेजा है रिसीवर ने। ठीक है, ये केस भी हम कवर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने रिसीव किया और मेरा है एक्नॉलेजमेंट नंबर 1, एक्नॉलेजमेंट नंबर 0, तो कुछ नहीं करना मेरे को। तो देख, ये चीज याद रखनी है, इफ करप्टेड और एक्नॉलेजमेंट नॉट करंट, करंट वाला एक्नॉलेजमेंट नहीं है, डू नॉट कुछ मत करो। इफ टाइम आउट रिट्रांसमिट, ये लॉजिक है। मैं हूं रिसीवर, मतलब सेंडर। अच्छा, देखिए कुछ चीज, रिसीवर ऐसा कुछ नहीं कर रहा, रिसीवर को तो बस ये देखना है कि पैकेट करप्ट है, उसके हिसाब से एक्नॉलेजमेंट वगैरह भेज रहा है, रिसीवर के पास कोई टाइमर नहीं है। ठीक है, तो अपने को रिसीवर, हाँ रिसीवर का इतना अपने को याद रखने की जरूरत भी नहीं है, फिर अपने को बस सेंडर के लिए केस देखने हैं, और ये वाली
इनके रूल्स याद रखने हैं कि करप्ट हो गया, एक्नोलेजमेंट करंट नहीं है और टाइम आउट है, ये तीन केस होंगे सेंडर के लिए। तो सेंडर ने डाटा भेजा, क्या भेजा, पैकेट ऑफ जीरो। हमारे पास तीन केस हो सकते हैं, या तो पैकेट ड्रॉप हो गया, या पैकेट करप्ट हो गया, या पैकेट सामने वाले को मिल गया। ठीक, ठीक अगर पैकेट ड्रॉप हुआ तो टाइम आउट होगा, है, टाइम आउट इस बात की होगा गारंटी है तो हम रिट्रांसमिट करेंगे। तो रिट्रांसमिट होगा। सही ठीक बात है। है, पैकेट करप्ट हुआ सामने वाले के पास, नहीं पैकेट ये इस केस के अंदर ही आ जाता है, रिसीव्ड के अंदर ही रख देता हूँ मैं इसको, मैंने सामने वाले ने पैकेट रिसीव कर लिया। अब इसके दो केस हो सकते हैं, या तो ये करप्ट है, या ये क्या हो, ये सही है, सही ये सही हो। है, सही है। हाँ ठीक है, अब करप्ट है, रिसीवर जीरो के लिए वेट कर रहा था, रिसीवर जीरो के लिए वेट कर रहा था लेकिन करप्ट निकला, ये क्या भेजेगा, एक्नोलेजमेंट वन। ठीक ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट वन भेज देगा। है, तो अपना क्या होगा, सेंड एक्नोलेजमेंट नंबर वन। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर यहाँ पे बैठा है, ठीक रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट वन मिली और रिसीवर कुछ नहीं करेगा। है, इसके भी दो केस बचेंगे ना। उसने एक्नॉलेजमेंट वन भेजी, अब जो हमारा रिसीवर है इसके बाद उसको करप्ट मिल सकता है, ड्रॉप हो सकता है। हाँ, तीन केस बचेंगे, हाँ यहाँ पे या मिस्टेक होगा फिर या करेक्ट मिला। करेक्ट मिला। अभी अगर उसको ठीक करेक्ट है, मिला तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्रॉप हुआ, टाइम आउट हुआ, वो रिट्रांसफर कर देगा। ये सही है। हाँ, टाइम आउट होगा फिर ही वापस रिट्रांसमिशन में चला जाएगा। मैं कंफ्यूज हूँ। टाइमर हमारा जब हमने कुछ भेजा है उसके हाँ रिस्पॉन्स आने तक चलता है, या टाइमर किसी स्टेट का टाइमर है? टाइमर हम एक्सप्लिसिटली यहीं पे रोक रहे हैं, टाइमर स्टॉप, हमने टाइमर और कहीं रोका नहीं क्यों? है। टाइमर हम कब रोक रहे हैं? जब एक्नॉलेजमेंट जीरो है तभी रोकेंगे, हाँ वरना जब टाइमर एक्नॉलेजमेंट पे। जीरो ठीक आएगी तभी टाइमर रुक रहा है। है, तो एक तरीके से वो रिट्रांसमिट ही कर रहा है, पर टाइमर के टाइम हाँ पे रिट्रांसमिट कर रहा है, टाइम मतलब बेसिकली अपना कोड सिंपलीफाई आउट हो होने पे गया। रिट्रांसमिट कर रहा है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ये हो गया ना यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पे पैकेट भेज देते तो टाइम आउट होने का हमें लॉजिक चेंज करना पड़ता उस टाइम, मतलब बेसिकली हमें टाइमर को वापस रिस्टार्ट करना पड़ता उसे टाइम पे। इससे बढ़िया हम वेट कर रहे हैं टाइम आउट होने तक का, और जैसे ही टाइम ठीक आउट हो गया हमारा पैकेट वापस सेंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। है, सेंड सक्सेस हो गया। सक्सेस होने पे रिसीवर क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट जीरो। एक्नॉलेजमेंट जीरो। अब अब इसके इसके भी तीन केस प्रोसेस आते के हैं, तीन के तो या तो ये ड्रॉप हो जाएगा, आप या तो ये करप्ट हो जाएगा, या ये सक्सेसफुल हो जाएगा। पहले दोनों केसेस में वापस से टाइम आउट हो जाएगा। हाँ अगर ड्रॉप हुआ तो टाइम आउट, करप्ट हुआ नथिंग, कुछ नहीं होगा, फिर टाइम आउट हो फिर कुछ जाएगा। टाइम के बाद टाइम आउट होगा, ये वापस घूम फिर के रिट्रांसमिशन। सक्सेस, सक्सेस हुआ तो या इसका स्टेट चेंज हो स्टेट वन, जाएगा। यस। स्टेट वन में चला गया, एंड रिस्टार्ट, इंटरेस्टिंग। अभी तक अपना ये यूज नहीं आया कि एक्नॉलेजमेंट वन का क्या कर रहे हैं अपन, है ना। ठीक है। तो देख हमने क्या बोला, हमारे सिस्टम के अंदर नैक नहीं है। ठीक है, हमारे पास दो चॉइसेस हैं अब, या तो मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर जीरो भेजूं या मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर वन भेजूं। बंद अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर जीरो भेजा इसका मतलब होगा कि डाटा मेरा सक्सेसफुल आ चुका है, जो कि नहीं है। यहाँ पे रिसीवर को डाटा करप्ट मिला था, अगर वो एक्नॉलेजमेंट नंबर जीरो भेजता है समस्या आ जाएगी, तो उसके पास सिर्फ एक ही केस बचता है कि वो एक्नॉलेजमेंट नंबर वन ही भेजे। ठीक बात है। मतलब देख यानी रिसीवर हमने के पास और इसको दो स्टेट बना दिए,
नेट को अवॉइड करने के लिए, अगर नेट करते तो आई गेस रिसीवर के एक ही स्टेट में काम भी हो सकता था। हाँ उस केस में अपने को नैक जीरो ये भेजना पड़ता, लेकिन हमने नैक को अपने सिस्टम से हटा ही दिया है, इसलिए हम एक्नोलेजमेंट नंबर वन भेज रहे हैं यहाँ पे। ठीक बात है। तो बाय एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस हमारे पास यही बचा है भेजने को। ठीक, बहुत प्यारा सा क्या बोलते हैं डिसीजन था इनका। यहाँ पे दो चीज प्यारी थी याद रखने लायक, एक्नोलेजमेंट नंबर वन क्यों भेज रहे हैं और यहाँ पे हम कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम कुछ इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो और वो कोड अपने आप चल जाएगा।